मीन्स कि 60 तो जस्ट अभी हो गए हो। ओके फाइन। कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटी यूजिंग काउंटिंग मेथड। फर्स्ट सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विथ ऑर्डर। फर्स्ट आपके पास क्या था? सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विथ ऑर्डर। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर एन टपल्स इक्वल्स टू कैपिटल एन रेज़्ड टू पावर स्मॉल एन विद रिप्लेसमेंट एंड विद ऑर्डर। ऑर्डरिंग ये विद रिप्लेसमेंट है एंड विद ऑर्डरिंग। अच्छा, अब यहाँ पे कि आपके पास कभी कभार नंबर ऑफ सैंपल स्पेस काफ़ी लार्ज हो जाता है जिसको ड्रॉ करना इजी नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट हमें कंसर्न प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड, आपके पास जो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं वो डिस्टिंक्ट हैं क्योंकि उस सेट में आपके पास सेम ऑर्डर नहीं होता, सेम एलिमेंट नहीं होता, डिस्टिंक्ट होगा ऑफकोर्स। जितने भी आपके पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट होंगे, जितने भी सेट में आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। एन टपल्स मीन यहाँ पे एन आपके पास टाइम्स को भी कहते हैं, ठीक है। एन टपल्स मीन टाइम्स, ठीक है। अब उसके आपके पास किसके इक्वल है कि अगर सपोज इस तरह हम लोग कॉइन को करते थे कि कॉइन में पॉसिबिलिटी क्या है, टू, और कितने टाइम आप उसका एक्सपेरिमेंट करते हो, फोर टाइम फाइव टाइम, तो आप रेज टू पावर फोर करते हैं। स्मॉल एन इसमें आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट और कैपिटल आपके पास है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इन सैंपल स्पेस इन आपके पास, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, जस्ट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ के अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटी, कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटी है, टू, वो कैपिटल एन हो जाएगा। कितने टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आपके पास, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। नहीं, डिस्टिंक्ट ऑर्डर सैंपल स्पेस के अंदर है। अब सैंपल स्पेस में हेड और कॉइन को ही हम टॉस करते हैं, लेकिन सैंपल स्पेस में आपके पास ये कितने है? फोर है, ये पेयर्स हैं, ये ऑर्डर पेयर्स आपके पास क्या होते हैं ना यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देख लो कि कितने टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टू टाइम, तो टू रेज पावर फोर, फोर आ गए। ना कि हम सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स लिखें, जस्ट हमें आंसर आ जाएगा ये इक्वल्स टू फोर आ गया। क्या आपने उसके एलिमेंट्स जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेंशन करो। हाँ हाँ, एक ही चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं, नंबर ऑफ टाइम, वही मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो प्रोसेस है वो सेम है, आइटम जो चीज़ पे आप कर रहे हो वो सेम है, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपके पास रेंडमली आ रहे होते हैं। अब इसके एक एग्जांपल, ये आपके पास मैंने यहाँ फोर पार्ट्स में डिवाइड किया था कि सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट विद ऑर्डरिंग विद रिप्लेसमेंट विदाउट ऑर्डरिंग विदाउट रिप्लेसमेंट विद ऑर्डरिंग एंड विदाउट रिप्लेसमेंट विदाउट। एक मैं एग्जांपल लूँगी और उसके मैं पहले नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर भी बताऊँगी और सैम्पल भी एग्जैक्ट मैं प्रॉपर बना के दिखा देती हूँ कि इसका मतलब क्या है, कि रिप्लेसमेंट और ऑर्डरिंग का क्या मतलब है। रिप्लेसमेंट का आपके पास ये है कि जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो तो दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए आप वो चीज़ वापस
रिप्लेस कर देते हो। ऑर्डर का मतलब ये है कि वन एंड टू ये और टू एंड वन, ये ऑर्डर वन और टू एलिमेंट्स अगर आप नोट करो तो ये सेम है, वन और टू नंबर सेलेक्ट हो रहे हैं, टू और वन सेलेक्ट हो रहे हैं। विद ऑर्डरिंग मीन्स के ऑर्डर आप उसका नोट कर रहे हो कि पहले आपने वन लिए, सेकेंड नंबर पे आपने टू लिए। अगर विदाउट ऑर्डरिंग आ जाएगा मीन्स के ये फिर आपके पास विदाउट ऑर्डरिंग में सेम कंसिडर होंगे कि ऑर्डर में हम लोग नोट नहीं कर रहे, जो मर्जी ऑर्डर के साथ हो। वन एंड टू और बेसिक आपने बेसिकली आपने क्या किया है कि वन और टू सेलेक्ट किए, टू नंबर सेलेक्ट किए, वन एंड टू और टू और वन बात एक है अगर हम ऑर्डर को मेंशन ना करें। अगर ऑर्डर को नोट करते हैं कि किस ऑर्डर से आप ले रहे हो तो वहाँ पे आपके पास वन और टू और टू और वन डिफरेंट हो जाएंगे, ऑर्डर मेंशन हो गया ना आपके पास। विद ऑर्डरिंग में वन और टू और टू वन ये टू अलग डिफरेंट पेयर्स बने हैं, और विदाउट ऑर्डरिंग में ये एक ही कंसिडर होंगे। वन टू ले लें या टू वन ले लें, ऑर्डर मेंशन नहीं हो रहा, किस ऑर्डर से आप ले रहे हो वो इग्नोर हो जाता है। रिप्लेसमेंट में आपके पास अगर आप एक दफ़ा हेड ले चुके हो तो सेकेंड टाइम हेड की ऑप्शन ख़त्म हो गई आपके पास। अगर आपने वन सेलेक्ट किया, नंबर फाइव बॉल्स हैं, आप वन सेलेक्ट कर रहे हो, वन बॉल सेलेक्ट की है तो आपने टू बॉल सेलेक्ट करनी है ना। एक्सपेरिमेंट किया, सेलेक्ट टू बॉल्स फ्रॉम एन अर्न, अर्न में आपके पास फाइव बॉल्स हैं, आपने वन सेलेक्ट किए, सेकेंड को सेलेक्ट करने के लिए वन वापस रख दी तो वो रिप्लेसमेंट हो गई। आपने वन जो सेलेक्ट किए नोट कर लिया, वन सेलेक्ट कर लिए तो सेकंड को करने के लिए आपने वो वापस रख दी, मीन्स कि आपके पास सेकंड ऑप्शन के लिए भी फाइव की फाइव बॉल्स हैं, वो विद रिप्लेसमेंट हो गई है। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि वन आपने सेलेक्ट कर लिए, सेकंड बॉल सेलेक्ट करने के लिए वापस फर्स्ट वाली आपने रिप्लेस नहीं की, वो विदाउट रिप्लेसमेंट। और सेकेंड वाले के लिए कितनी ऑप्शन रहेगी, फोर बॉल्स रहेगी, वो विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा, एन अर्न कॉन्टेन फाइव बॉल्स नंबर वन टू फाइव, सपोज वी सेलेक्ट टू बॉल्स फ्रॉम द अर्न विद रिप्लेसमेंट, how many distinct order pair are possible? ठीक है, an urn contain five balls, आपके पास जो set है उसमें कितनी balls हैं, five, means कि आपके पास capital N equals to five, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, फाइव है ना, फाइव बॉल्स हैं, फाइव पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। और कितने हम लोग कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट एन इक्वल्स टू टू, हाउ मैनी, अब आप यहाँ पे ये कर रहे हो ठीक है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स, ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं आपने, टू टू के ऑर्डर पेयर आपके पास आ गए ठीक है। अगर थ्री सेलेक्ट करते हैं थ्री थ्री के पेयर्स आ जाते हैं आपके पास, टू टू के जो ऑर्डर पेयर आपने डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करने हैं वो कितने आपके पास आएंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इक्वल्स टू कैपिटल एन रेस्ट पावर स्मॉल एन फाइव रेस्ट पावर टू मीन्स 25, 25 सेलेक्ट हो गए। आपने नंबर कितने एज अ एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट कर रहे हो, टू सेलेक्ट करें, अगर आप वन बॉल सेलेक्ट करते तो एन आप स्मॉल एन आपके पास वन आ जाता, अगर आप फाइव सेलेक्ट करते बॉल फाइव की फाइव सेलेक्ट करते तो स्मॉल एन भी आपके पास फाइव हो जाता। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मैं सैंपल, ये सैंपल स्पेस आ गया, और कभी कभार यही स्टेटमेंट आपके पास इवेंट के लिए भी यूज़ हो रही है। इवेंट का भी सेट इतना लार्ज होता है कि हम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इवेंट के लिए भी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसको आप एज अ सेट के फॉर्म में कैसे बनाएंगे कि विद रिप्लेसमेंट एंड विद ऑर्डरिंग, ये रब कर दूं। अब सैंपल स्पेस आपके पास जो आ रहा है ठीक है,
विद रिप्लेसमेंट. सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि वन सेलेक्ट हुई, टू सेलेक्ट करनी है, वन सेलेक्ट हुई है विद रिप्लेसमेंट है कि सेकंड के लिए वन के ऑप्शन अगेन है. वन के साथ वन भी आ सकता है, वन के साथ टू भी हो सकती है, वन के साथ थ्री भी, वन के साथ फोर भी एंड वन के साथ फाइव. ठीक है, पहले अगर फर्स्ट वन सेलेक्ट हुई है तो सेकंड टाइम वन से फाइव तक सब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो विद रिप्लेसमेंट है, वन वापस हमने रिप्लेस कर दी थी. अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होती तो ये पॉसिबल नहीं था, ये वाला पेयर पॉसिबल नहीं था ना, वन के ऑप्शन ही खत्म हो जाती, बाकी फोर रह जाती, सेम वाला खत्म हो जाता. अब आपके पास अगर फर्स्ट पे टू सेलेक्ट हो गया है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, वन भी हो सकता है, टू भी, थ्री भी, फोर एंड फाइव. हाँ एग्जैक्टली, इसमें वन वन भी सेलेक्ट ना होता, टू टू भी सेलेक्ट नहीं होता, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, फोर वन, लास्ट करते हुए आपके पास जो आ जाएगा फाइव फाइव. तो कितने आ गए, फाइव मल्टीप्लाई फाइव ट्वेंटी फाइव. मीन्स के नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस का आप एलिमेंट्स को वैसे ही अकाउंट कर लेंगे, डायरेक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर आपके पास आ जाते हैं 25. क्लियर? कर दो ना. यहाँ पे अब सेकंड वाले में आपके पास विद आउट रिप्लेसमेंट एंड विद ऑर्डरिंग. ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर एंड टपल्स इक्वल्स टू कैपिटल एन परमुटेशन स्मॉल एन. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन फैक्टोरियल. एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू थ्री टू वन, और यहाँ पे एन माइनस स्मॉल एन, एन आपके पास प्लस वन स्मॉल होते होते थ्री टू वन आ जाए. माइनस आप ब्रैकेट में करोगे स्मॉल एन के साथ रिड्यूस, तो आपके पास जो वैल्यू है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी. और ये वैसे भी आपके कैलकुलेटर में परमुटेशन का फार्मूला एज इट इज़ आपके पास है, ये कि कैपिटल एन परमुटेशन स्मॉल एन प्रेस करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. एग्जाम्पल फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम्पल. अब फर्स्ट एग्जाम्पल में जस्ट हमने एन अर्न कॉन्टेन फाइव बॉल्स नंबर वन टू फाइव, सपोज वी सेलेक्ट टू बॉल्स फ्रॉम द अर्न विद आउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, फ्रॉम अर्न आपके पास जस्ट है, आपने सेलेक्ट करना है विद आउट रिप्लेसमेंट. फर्स्ट एग्जाम्पल में जहाँ विद रिप्लेसमेंट था वहाँ रिप्लेस करके आपने विदाउट रिप्लेसमेंट, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर कैपिटल एन कितना था, फाइव, टू फाइव फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फाइव फोर थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया ट्वेंटी. हाँ जी, क्योंकि ये वाली वैल्यू असल में ये वाली जो चीज़ है ना वो एन माइनस वन में होती है. एक ये रिड्यूस नंबर रिड्यूस हो रहा है, जैसा वन टू थ्री रिड्यूस होता जा रहा है तो ऑलरेडी कोई एक नंबर है उसमें आप वन रिड्यूस कर रहे हो, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सेम है, ट्वेंटी है, ट्वेंटी. अच्छा, अब विद और विदाउट में सिर्फ वो डिफरेंस आता है कि जो सेम होते हैं उसमें आपके पास फाइव वो पेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे, कौन से, जो कि सेम है. अब आपके पास यहाँ पे पेयर्स कौन कौन से बनेगा, ये रब कर दूँ,
इक्वल्स टू 20. यहाँ पे पेयर्स में जस्ट आपके पास वन वन नहीं होगा, क्योंकि वन सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास वन के ऑप्शन टू अप टू वन फाइव टू वन. अब यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डरिंग है, ऑर्डर होने की वजह से वन टू और टू वन डिफरेंट है. यहाँ पे ऑर्डर है कि पहला वन हुआ है, सेकंड टू सेलेक्ट हुआ है, और इस वाले पेयर में पहले टू सेलेक्ट हुआ है और फिर आपके पास वन हुआ है. विदाउट ऑर्डरिंग हो जाता तो ये आपके पास सेम हो जाते, फिर ये वाला इग्नोर कर देते. अगर आपके पास यहाँ पे विद ऑर्डरिंग की जगह विदाउट ऑर्डरिंग आ जाता तो आपके पास ये दोनों में से ये सेम होते, चाहे वन टू लिखें या टू वन वाला सेलेक्ट करें, फिर आप सेकंड सेलेक्ट नहीं करते, मोस्टली सेकंड इग्नोर करते हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी को हम एंटर करते हैं. आप सेकंड भी कर लो लेकिन ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं कि फर्स्ट वाली ऑप्शन को रहने देते हैं, बाकी इग्नोर की जाती हैं. यहाँ पे टू टू इग्नोर हो जाएगा, टू थ्री अप टू टू फाइव, बल्कि यूँ करते हैं कि वन वन और वन टू, टू टू थ्री थ्री, और यहाँ पे आपके पास फाइव फाइव. ये वाला जो आपके पास है ये इग्नोर हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ 25 में से 20 रह जाएंगे विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से. विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से जो सिमिलर आपके पास पेयर्स होते हैं वो इग्नोर होते हैं. अच्छा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही आपके पास है. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में मैं एक स्टेटमेंट और ऐड करती हूँ, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके पास एन अर्न कॉन्टेन, आपके पास पहले पार्ट में था हाउ मैनी डिस्टिंक्ट, और सेकेंड आपके पास है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू ड्रॉ यील्ड द सेम नंबर, ठीक है. विदाउट की विदाउट रिप्लेसमेंट की एग्जांपल के लिए फर्स्ट एग्जांपल कंटिन्यू स्टार्ट से हो रही है एन अर्न कंटेन, उसके बाद जो सेकंड पार्ट एज इट इज लिखा था हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पेयर विद विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट वाले के साथ जो था पूरी एग्जांपल फर्स्ट वाली हुई. उसके बाद मैं सिर्फ एक एड ये स्टेटमेंट की है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू ड्रॉज यील्ड द सेम नंबर. हमने प्रोबेबिलिटी, ये तो आपके पास 25 थे, आप पॉसिबल थे. अगर ये 1000 पेयर्स बन जाए, 1000 पेयर बनाना इजी नहीं है और उसमें से सेम भी सिलेक्ट करना इजी नहीं, तो हम ये करते हैं कि सॉल्यूशन में आपके पास ऑल पॉसिबल आपके पास विद रिप्लेसमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट विद रिप्लेसमेंट के साथ कितने हो जाएंगे, 25. नंबर ऑफ विद आउट, विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स के सेम आपके पास कितने हो जाएंगे, 20. अब आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ टू ड्रॉज यील्ड द सेम नंबर, वो कितने हो जाएंगे, 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 5. अब इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा. अच्छा, अब इसके लिए आपके पास सपोज ये हम ए सेलेक्ट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड करते हैं वो आपके पास क्या होता है, इवेंट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू, ये जो आपके पास है ये इवेंट है. अब इसका सैंपल स्पेस क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट तो आपके पास आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट आपके पास कितने, 5. अब इसके बाद आपने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कौन सा सेलेक्ट करना है, 25. क्यों, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट. अगर यहाँ पे इस स्टेटमेंट में मैं विदाउट रिप्लेसमेंट करती तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 20 सेलेक्ट होते. प्रोबेबिलिटी से पहले वाली स्टेटमेंट में हमने जो स्टेटमेंट थी एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट आपके पास विद रिप्लेसमेंट वाला था, ठीक है. विद रिप्लेसमेंट के साथ आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 25. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कितने आपके पास आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 25 मीन 1 ओवर 5.02 आ.
ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। कर दूं। और सेम अगर आपके पास ड्रॉज आर डिफरेंट, डिफरेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाती, ये तो सेम की है ना, डिफरेंट ड्रॉज की प्रोबेबिलिटी की क्या आएगी आपके पास, डिफरेंट की प्रोबेबिलिटी मींस के 20/25 विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास सब जो पेयर्स में एलिमेंट्स होते हैं, पेयर्स में एलिमेंट्स वो डिफरेंट होते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट और विद ऑर्डरिंग में, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मींस के टू डिफरेंट ड्रॉज आपने जो फाइंड आउट करनी है, डिफरेंट ड्रॉज आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आपके पास आ जाएगा 20/25। एग्जाम्पल आपके पास नेक्स्ट अगेन एन अर्न कंटेन 5 बॉल्स, सेलेक्ट 3 बॉल्स विद रिप्लेसमेंट। 5 आपके पास टोटल बॉल्स हैं, सेलेक्ट हम 3 कर रहे हैं और हमने फाइंड किया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 बॉल्स आर डिफरेंट। अब ऑल 3 बॉल्स आर डिफरेंट की क्या हो जाएगी, 3 के 3 डिफरेंट हो, क्यों? क्योंकि अगर आप 3 टाइम सेलेक्ट कर रहे हो, पहले 1 सेलेक्ट किए, 1 के ऑप्शन ख़त्म, ठीक है। फर्स्ट टाइम के लिए आपके पास कितनी ऑप्शन थी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1 सेलेक्ट किया तो अब आपके पास 1 वाला पेयर इग्नोर हो गया, सेकेंड टाइम 2 आ गया तो थर्ड आपके पास 2 भी इग्नोर हो गया, 3 मीन्स कि आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं हो सकता, 3 के 3 एलिमेंट में से कोई 2 भी सेम नहीं हो सकते। 3 आप सेलेक्ट कर रहे हो बॉल्स, लेकिन उनमें से कोई 2 भी ऐसे नहीं होंगे जो कि सेम होंगे। क्यों सेम नहीं होंगे, क्योंकि जब हमने 1 सेलेक्ट किया तो आपके पास जस्ट 2, 3 और 4 ऑप्शंस थी, सेकंड टाइम हमने 2 सेलेक्ट किया विदाउट रिप्लेसमेंट तो आपके पास 2 भी इग्नोर हो गया थर्ड टाइम के लिए, ना तो 1 आ सकता है ना 2 आ सकता है कि सेम हो जाए। अब आपने क्या चीज़ क्लियर नहीं हुआ, विदआउट रिप्लेसमेंट विद ऑर्डरिंग में चाहे आपके पास 50 का 100 का भी पेयर बना लो, उनमें से कोई एक एलिमेंट भी ऐसा उस पेयर के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि सेम हो 100 का भी अगर आप बना लेते हो। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा जो चीज़ सेलेक्ट हो गई वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकती, एक दफ़ा जो सेलेक्ट हो जाती है, और एक दफ़ा सेलेक्ट जो अगर आप चीज़ ले रहे हो वो ऑफकोर्स डिफरेंट होती है, उसकी पॉसिबिलिटी सेम तो नहीं होती ना, हम ये तो नहीं कह सकते हेड 2 टाइम्स आ गए, डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट अगर आप एक दफ़ा एक चीज़ सेलेक्ट कर लेते हो तो सेकंड ऑप्शन के लिए वो इग्नोर हो चुकी होती है। तो आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट और विद ऑर्डरिंग में कोई भी एलिमेंट इन आ पेयर एक पेयर में रिपीट नहीं होगा, डिफरेंट होंगे। अब प्रॉबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट ऑल 3 बॉल्स आर डिफरेंट, इसकी प्रॉबिलिटी क्या आएगी करनी है आपके पास। पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट विथ फर्स्ट मैं सेकंड पूरा स्टेटमेंट अगर आप लिख लेती हूँ ना, फिर मैं आपको उसकी 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। इस स्टेटमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी के बाद वाला आपके पास इवेंट है, और उससे पहला आपके पास सैंपल स्पेस के लिए, सैंपल स्पेस आपके पास क्या है,
विद रिप्लेसमेंट। आपके पास नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा? 5 raised to power 3, या आपके पास 125 आ गए। ठीक, अब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सेकेंड वाले में आपके पास क्या होगा? डिफरेंट होने की वजह से आपके पास विद आउट रिप्लेसमेंट वाला है, तो n 5 परमुटेशन 3 इक्वल्स टू 5 3 2 60। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड आउट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी? ऑल 3 बॉल्स आर डिफरेंट, 60 डिवाइडेड बाय 125। हमने इसके पेयर 60 या 125 बनाना इजी नहीं है, ठीक है, और हम उसमें से नोट करें कि कौन कौन से डिफरेंट है, वो भी काउंट करना इजी नहीं। ठीक है, फाइंड द परम्यूटेशन नंबर ऑफ अब आपके पास 3 एलियो, उसमें आपके पास सेट के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज है, 1, 2, 3, और आपने फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड आउट करना है कि 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, आपने सेलेक्ट भी 3 करना है और आपके पास जो पॉसिबिलिटीज हैं एक सेट में वो भी 3 है, आपने 3 एक सेट के अंदर एलिमेंट्स है और 3-3 का पेयर्स बनाना है। ठीक है, उसकी परमुटेशन आपने फाइंड आउट करनी है, इसकी क्या होगी? 3 कैपिटल एन भी 3 है, स्मॉल एन भी आपके पास 3 है, n परमुटेशन n, 3 परमुटेशन 3 इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 3 फैक्टोरियल। ठीक है, कैपिटल n और स्मॉल n सेम हो जाए आपके पास तो जो आपके पास परमुटेशन होता है वो आपके पास n फैक्टोरियल के इक्वल आ जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल इसी से थोड़ी रिलेटेड है, suppose that 12 balls are placed at random into 12 cells where more than one ball is allowed. To occupy a cell, what is the probability that all cells are occupied? जी, यहाँ पे आपके पास सपोज दैट 12 बॉल्स आर प्लेस्ड एट द रैंडम इनटू 12 सेल, 12 सेल्स हैं और 12 बॉल्स हैं आपके पास। ठीक है, सपोज कि 12 है सेल्स हैं, इस 12 सेल्स में आप 12 बॉल्स रिप्लेस करनी है वेयर मोर देन वन बॉल इज अलाउड टू ऑक्यूपाई। एक बॉल जो आपके पास एक सेल में एक से ज़्यादा बॉल जा सकती है, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है कि सब सेल में आपके पास एक एक बॉल हो, ये कहा है कि किसी एक सेल में मोर देन वन बॉल भी ऑक्यूपाई हो सकती है। सपोज फर्स्ट बॉल मैंने इसमें कर दी, सेकंड बॉल मैंने इसमें, थर्ड मैंने इग्नोर कर दिया, थर्ड वाली बॉल मैंने फोर्थ वाले सेल में कर दी, और जो फोर्थ बॉल है वो भी मैंने फोर्थ वाले में कर दी रिप्लेस, क्योंकि एक सेल में मोर देन वन आ सकते हैं ना,
और कोई आपका खाली भी रह सकता है। जाहिर है 12 आपके पास बॉल्स हैं, 12 सेल है, अगर एक सेल में 2 बॉल्स आ जाएंगी तो एक आपकी सेल एम्प्टी होगा। बिल्कुल आ सकती हैं, एक में 12 की 12 कर दो, बाकी 11 आपकी एम्प्टी रह जाएंगी, ये पॉसिबिलिटी भी है। अच्छा, अब ये पॉसिबिलिटी आपका बनाना इतनी ईजी नहीं है, सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि जो सैम्पल स्पेस है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस आपका किस पे होगा। सपोज दैट 12 बॉल्स आर प्लेस्ड एट रैंडम इनटू 12 सेल वेयर मोर देन वन बॉल इज अलाउड टू ऑक्यूपाई अ सेल। अब ये किस में आ रहा है, अब 4 कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई थी, अभी हमने 2 डिस्कस किए हैं, उन 2 में से अब आप ये नोट करो कि ये विद रिप्लेसमेंट विद ऑर्डरिंग है या विदाउट रिप्लेसमेंट विद ऑर्डरिंग है। रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। क्यों रिप्लेसमेंट हो रही है, कि हमारे पास यहाँ पर एक से ज़्यादा रिपीट, एक सेल जो है रिपीट हो रहा है। इस बॉल के लिए आपके पास थर्ड वाला सेल 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। आपके पास 3 और 4 बॉल्स के लिए ऑप्शन के लिए कौन सा वाला सेल रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 4 वाला। हम सेल का बता देना, मैं C1 C2 से करती हूँ। अब आपके पास जो सेट बन रहा है वो आपने पहला 1 2 4 जो पेयर बनना है, और पेयर कितने का बनना है, 12 का। कितने की आपके आपके कैपिटल एन कितनी है, कितनी बॉल्स हैं, 12, और कितनी बॉल्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, 12। उनमें से ये तो नहीं कहा कि जस्ट आपने 4 या 5 बॉल्स को सेल में एंटर करना है। टोटल बॉल्स आपके पास कैपिटल एन कितना है, 12, और कितनी बॉल्स पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कितने टाइम्स सेलेक्ट 4 या सेलेक्ट 5 तो नहीं कर रहे, 12 बॉल्स को ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास स्मॉल एन भी 12 आ गया। तो पेयर आपके पास, एक पेयर में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, एक पेयर में 12 होने चाहिए। अब ये C1 बिल्कुल क्यों करती हूँ मैं, C1 C2 C3 नहीं हुआ, C4 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आगे कंटिन्यू कर दिया कि C1 ही 12 टाइम आ जाए, पॉसिबिलिटी है ना कि सेल 1 में मैं 12 की 12 बॉल्स डाल दूँ। हाँ जी, 2 टाइम्स हो रही है, 3 वाली बॉल भी मैंने उसमें डाल दी और 4 वाली भी मैंने उसे। बच्चे सेल दोबारा कंसीडर कर रहे हैं ना हम अगली बॉल के लिए, ये तो नहीं कहा कि अगर हमने एक सेल को नोट कर लिया, उसको बॉल एंटर कर दी है, तो हम दोबारा उसको नेक्स्ट बॉल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने 1 बॉल इसमें डाल दिया तो आपके पास कितने सेल्स रह गए हैं, 11 या 12, 12 की 12 ऑप्शन है आपके पास। मैं सेकेंड में डाल दिए तो आपके पास कोई 10 ऑप्शन रह गई हैं सेल की, नहीं, आपके पास 12 की 12 ऑप्शन हैं। जब आपके पास ऑप्शन पूरी हैं, मीन्स कि आप वन और फर्स्ट और सेकंड सेल को दोबारा कंसीडर कर सकते हो। कंसीडर कब कर सकते हैं, जब वो रिप्लेस हो रहा होता है। नहीं बच्चे, ये सिर्फ क्वेश्चन आपको यहाँ तक ही है, और क्वेश्चन पेपर में भी यहाँ तक ही है। क्या क्या चाहिए, एक सेकेंड बॉयस, मेरी मर्जी, ऑप्शन छोड़ी जा सकती है या नहीं। अब आपके पास सिर्फ एग्जांपल ये है कि आपके पास 12 बॉल्स हैं और 12 ही यूज़ करनी है, आपके पास 12 सेल हैं, सेल्स आपके पास, आपने नोट जो करे वो हम सेल्स कर रहे हैं, और एक सेल में एक से ज़्यादा बॉल आ सकती है, मतलब एक सेल 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अगर एक चीज़ 2 दफ़ा यूज़ कर रहे हो तो वो आपके पास विद रिप्लेसमेंट ही पॉसिबल है। तो वो कह रहे हैं ना, एक से ज़्यादा बॉल आ सकती है एक सेल में, मीन्स कि एक सेल को हमने मोर देन 1 टाइम यूज़ कर रहे हो, मोर देन 1 टाइम यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कि वो विद रिप्लेसमेंट है, हम उस सेल को दोबारा कंसिडर कर रहे हैं, तब ही वो आपके पास जो है एक से ज़्यादा बॉल उसमें एंटर हो सकती है। सिर्फ इतनी सी बात है कि मोर देन 1, अगर मोर देन 1 ना होता तो हम ये क्लियर नहीं कर सकते थे कि ये विद रिप्लेसमेंट है ये विदाउट। मोर देन 1 और आपके पास 12 ऑप्शन है, ऑफ कोर्स आपके पास जो है ये रिपीट हो रहा होगा। अगर आपके पास 13 बॉल्स या 13 सेल होते, फिर हम नहीं कह सकते थे कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट ही काम हो, विद रिप्लेसमेंट ही हो। हाँ, अब आपके पास यहाँ पे ये नोट करो कि अगर आपके पास 13 सेल हो, अगर हम एक इग्नोर भी कर दें तो सब पे फिर भी आ सकता है ना, एक से ज़्यादा पे भी बॉल्स आ सकती हैं। अगर आप बॉल्स आपके पास 13 हो, बॉल्स 13 हो, सेल 12 हैं, 12 पहले कवर कर ली सबको, एक बॉल किसी न किसी सेल पे रिपीट हो रही होगी,
ठीक है, ये भी आपके पास क्या होगा विद रिप्लेसमेंट के एक सेल आपके पास टू टाइम रिपीट हुआ है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया, एन कितना है आपके पास, 12 रेज टू पावर 12, क्या होगा 10 बॉल्स। फिर नहीं उसमें हम नहीं कर, नहीं फिर नहीं हम कर सकते। अच्छा अब ये आपके पास कितनी बनी है, 12 रेज टू पावर 12 कितना आ गया, और ये सैंपल बनाना पॉसिबल है, 12 बॉल्स हैं 12 सेल हैं उसकी इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। अब ये हम लोग सैम्पल स्पेस में ड्रॉ नहीं कर सकते, इतने पेयर्स बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जस्ट हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कंसर्न था वो हमारे पास आ गया। अब आपके पास है नंबर ऑफ, अब आप इवेंट का फाइंड आउट कर रहे हो। सपोज आपके पास ये वाली जो सेल है ऑल सेल्स आर ऑक्यूपाइड, ये ए है इवेंट, ठीक है, ऑल सेल आर ऑक्यूपाइड। अब इस इवेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे कि हर सेल ऑक्यूपाइड हो रहा है, मींस के कोई भी आपका एलिमेंट जो है सेल रिपीट नहीं होगा, अगर कोई सेल रिपीट हो जाएगा तो सब सेल ऑक्यूपाइड नहीं होंगे, ठीक है, सब आपके पास कोई भी सेल रिपीट नहीं हो रहा, क्या होगा। अच्छा ठीक है, अगर वो कहने रिपीट हो जाए सेल, ठीक है, सेल रिपीट हो जाता है मींस के थर्ड भी इसमें डाल रही हूँ, फोर बॉल भी इसी में डाल दी, रिपीट हो गया सेल, फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ये आपका एम्प्टी रह गया, और जबकि उन्होंने कहा है कि ऑल सेल्स आर ऑक्यूपाइड। ये सेल कब ऑक्यूपाइड होंगी, जब कोई भी आपके पास जो है सेल रिपीट नहीं हो रहा होगा, एक सेल में मोर देन वन बॉल्स ना आ रही होंगी। जब कोई चीज़ रिपीट नहीं होती तो वो आपके पास क्या होता है, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मीन विदआउट रिप्लेसमेंट, 12 परम्यूटेशन 12 अगर सेम आ जाए तो आपके पास 12 फैक्टोरियल आ जाता है। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर 12, ये आंसर है। अब इस स्टेटमेंट में विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट मेंशन नहीं था, ये अपने माइंड से सोचना है कि ये विद रिप्लेसमेंट में आ रहा है या विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने जो फोर ऑप्शंस की हैं अभी टू डिस्कस की हैं, हर क्वेश्चन इन फोर में से किसी एक पे लाई कर रहा होता है, और जो फोर्थ वाली है उसमें बहुत रेयर, बहुत रेयर, मेरे हाथ से इस बुक में शायद ही एग्जाम्पल कोई एक हो। आपके पास 13 बॉल्स हैं, सब सेल ऑक्यूपाई हो जाते हैं तो एक फिर भी रिपीट कर रहे हैं तो वह आप परम्यूटेशन नहीं कर सकते। अगर आप एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आपके पास कितनी बॉल्स हैं, 13 सेल 12, इसके पास कोई ऐसी ऑप्शन है कि सब सेल ऑक्यूपाई हो और कोई रिपीट भी ना हो पाए, नहीं, मींस कि आपके पास ये विदाउट रिप्लेसमेंट पॉसिबल है ही नहीं कि आप सब बॉल्स को रिप्लेस कर दो, आपको रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, मींस कि एक सेल को आपको मोर देन वन टाइम यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप 13 की 13 बॉल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 13 बॉल्स हैं, सेलेक्ट 12 अगर आप करते हो, एन कैपिटल एन आपके पास 13 ही है, ठीक है, ये दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कि आपके पास कैपिटल एन 13 है, सेलेक्ट 12 बॉल्स करते हैं, ठीक है, या 12 सेल, तो आपके पास यहाँ पे फिर ऑप्शन आ सकती है कि सब डिफरेंट सब सेल ऑक्यूपाई हो तो आपके पास हर एक कोई सेल रिपीट ना हो। अच्छा जी, ये आपके पास फर्स्ट वाली है ना, कि ये वाला सैंपल स्पेस स्टेटमेंट से पहले आपके पास यहाँ तक मोर देन वन बॉल, मोर देन वन बॉल अगर आपके पास है अलाउ तो वो आपके पास सेल रिपीट हो रहा है ना, रिपीट कब होगा, जब रिप्लेसमेंट होगी, और विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला आपके पास क्या है, एन आपके पास जो है यूज़ कितने कर रहे हो, सेल्स कितने आपके पास हैं, और बॉल्स कितने यूज़ कर रहे हो, होते हैं नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, हाँ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट
नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आप लोग ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो स्मॉल एन है ना वो आपके पास ये चीज़ है, ठीक है, 12 बॉल्स को यूज़ कर रहे हो ना, और कितनी ऑप्शंस हैं आपके पास डालने की, ऑप्शंस कितनी हो रही हैं, सेल्स कितने हैं, 12 सेल्स, कैपिटल एन आपके पास जो है, ये कैपिटल एन आपके पास जो बनता है ये वाला, ये आपके पास सेल है और ये वाला आपके पास बॉल्स हैं। ये तो मैं आपको कही थी ना कि 13 आपके पास बॉल्स एक्स्ट्रा हैं, अगर आप एक दफ़ा कवर करते हो तो 12 के 12 सेल्स कवर हो जाते हैं और 13 बॉल्स के लिए कंपलसरी के कोई रिपीट करना पड़ेगा, विद रिप्लेसमेंट होगी तो पॉसिबल है ना, सेल मोर देन वन टाइम यूज़ होगा इसके लिए तो आपके पास है ही, विद रिप्लेसमेंट होगा, नहीं इसकी परमोटेशन नहीं, ये फिर इवेंट नहीं बनेगा, इसका इवेंट पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसके विद रिप्लेसमेंट भी, फिर अगर इसी का इवेंट करोगे तो आपके पास दोबारा यही होगा, आंसर वन आ जाएगा। हाँ अगर आप ये करते हो कि 13 सेल्स हैं 12 बॉल्स हैं, अब आपके पास यहाँ पे कंपलसरी है कि सबके सब सेल कवर हों, एक्सपेरिमेंट ही पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कोई ऑप्शन तो नहीं कहा गया कि आपने एक सेल को मोर देन वन टाइम यूज़ नहीं करना, अगर आपके पास सब ऑक्यूपाई हो भी जाते हैं तो एक सेल आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा जो यूज़ नहीं हो रहा और सबका यूज़ होना कंपल्सरी है। अच्छा अब थर्ड आपके पास है, हाँ जी क्या होगा, इवेंट पॉसिबल नहीं होगा तो वो इवेंट के लिए क्वेश्चन में और कुछ स्टेटमेंट होगी ना, तो अब जाहिर है यही सैंपल स्पेस यही इवेंट तो नहीं होगा, अब सबके सब सेल ऑक्यूपाई तो नहीं हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग तो हमने देख लिया कि ऑल सेल्स आर ऑक्यूपाइड तो मीन्स कि कोई भी सेल रिपीट नहीं हो रहा होगा, अगर कोई सेल एक दफ़ा भी रिपीट हो जाए तो आपके पास सब सेल ऑक्यूपाई नहीं होंगे, वो इक्वल था, तो ये स्टेटमेंट से हमने विदाउट रिप्लेसमेंट का सोचा था कि अगर ज़रा से भी एक एक पॉइंट पे भी रिप्लेसमेंट हो जाती है तो तमाम सेल्स ऑक्यूपाई नहीं हो रहे, अगर बॉल ज़्यादा हो जाती हैं एक सेल ऑक्यूपाई दोबारा या एक सेल रिपीट हो रहा है तो बाकी आपका एम्प्टी रह रहा है, उससे पॉसिबल है कि अगर 13 सेल हैं 12 बॉल्स हैं आप सब पे करते हो तमाम सेल्स ऑक्यूपाई होना कंपलसरी है, पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल ही नहीं है, वो इवेंट ही नहीं आपका बन सकता, वो इवेंट पॉसिबल तो नहीं है ना कि 13 सेल्स हैं और 12 बॉल्स आपने एंटर करनी है और कोई सेल भी खाली ना हो। थर्ड वाली आपके पास है सैम्पलिंग, ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें माइंड आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ा है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, जिस तरह अभी आपने किया कि माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, नेक्स्ट बस ये थोड़ा सा है, इसके बाद आपके पास वो डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट एंड विद आउट ऑर्डरिंग, विद आउट रिप्लेसमेंट है एंड विद आउट ऑर्डरिंग, इसके लिए आपके पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जी ऑर्डर कैपिटल एन परमुटेशन स्मॉल एन इक्वल्स टू एन स्मॉल एन, इसको हम यू भी लिख सकते हैं, और दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये विदाउट ऑर्डरिंग मीन के रेंडमली सेलेक्ट होता है, और जहाँ कुछ क्वेश्चंस में रेंडमली का वर्ड आता है, जहाँ रेंडमली का वर्ड आता है मीन्स के वो विदाउट ऑर्डरिंग होता है, ऑर्डरवाइज नहीं है, रेंडमली को भी सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विदाउट ऑर्डरिंग, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट में चलिए पहले कंप्लीट करें फिर मैं इसको और सेपरेट करती हूँ। अगेन आपके पास है इसके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट विदाउट ऑर्डरिंग में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर कितने आएंगे,
5 परम्यूटेशन 2 विच इज़ इक्वल्स टू, अच्छा ये वाली चीज़ जो होती है n फैक्टोरियल स्मॉल n फैक्टोरियल कैपिटल n माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल के, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल 5 4 2 10, सिर्फ 10 आपके पास इसमें पेयर्स मिलेंगे। अब 10 पेयर्स किस टाइप के आपके पास होंगे के रिप्लेसमेंट भी ना और ऑर्डर भी आपके पास विदाउट ऑर्डरिंग है। फर्स्ट आपके पास वन सेलेक्ट हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से अगेन वन नहीं होगा तो क्या होगा 2 1 3 1 4 1 5। अब आपके पास 2 1 होगा नहीं, 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 क्योंकि 1 3 हो चुका है, 3 2 2 3 हो चुका है, 3 3 विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से नहीं है, 3 4 3 5। इसी तरह 4 का आपके पास क्या होगा, 4 1 भी है, 4 2 भी है, 4 3 भी है, 4 4 रिपीट नहीं होगा तो आपके पास 4 5 होगा, और 5 का तो कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। अली खाली जैसे आपके पास 5 1 गया उसके आप 2 का पेयर कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपके पास 10 एलिमेंट्स हो गए सैम्पल स्पेस में। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए इक्वल्स टू 1 2 5 विदआउट ऑर्डरिंग। ठीक है, विदाउट ऑर्डरिंग में आपके पास या विद विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विदाउट ऑर्डरिंग एंड विद आउट रिप्लेसमेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास कैपिटल एन इसमें क्या है, 2 सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम 1 टू 5, कैपिटल एन आपके पास और स्मॉल एन आपके पास 2, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 2 10। अच्छा एक एग्जांपल आपके पास है, हाँ जी जी अब है जो 50 आइटम कंटेन्स 10 डिफेक्टिव आइटम, अबेज ऑफ बॉयज आइटम कंटेन 10 डिफेक्टिव आइटम, सपोज 10 आइटम्स आर सिलेक्टेड, At random and tested. What is the probability that exactly 5 जी अभी ज़रा स्टेटमेंट पढ़े और कुछ समझ आई। कोई भी सेट बच्चे आपके पास सैंपल स्पेस हो या इवेंट का सेट हो वो डिस्टिंक्ट ही होता है। हाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। अब ये एक्सपेरिमेंट
हाँ वो जितना भी आपके पास होता है वो डिफरेंट ऑर्डर्स आते हैं, कोई भी रिपीट नहीं आपके पास एलिमेंट होता। अगर ज़ाहिर है रिपीट हो जाएगा तो आपके पास सेट ही नहीं रहेगा, सैंपल स्पेस ही नहीं बन सकता, फ़ायदा ही नहीं ना उस फार्मूले का। तो फिर अच्छा जी, हमने फाइंड आउट करना है अबेज ऑफ 50 आइटम, टोटल आपके पास जो आइटम्स हैं वो कितने हैं 50, उनमें से 10 डिफेक्टिव आइटम है। सपोज 10 आइटम्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टेस्ट, उनमें से 50 में से हमने 10 सेलेक्ट किए, उनमें से डिफेक्टिव भी हो सकते हैं और नॉन डिफेक्टिव भी हो सकते हैं। जस्ट हमने रैंडमली कोई भी 10 सेलेक्ट कर लिया आउट ऑफ 50, वट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 ऑफ दैट ऑफ द आइटम टेस्टेड आर डिफेक्टिव, कि उन 10 में से एग्जैक्टली जो 5 हैं वो डिफेक्टिव हैं, उनकी प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कैपिटल एन, टोटल आइटम्स कितने हैं 50, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव 40 एंड स्मॉल एन 10, 10 आइटम्स आर सिलेक्टेड ना फॉर टेस्ट। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट से पहले, प्रोबेबिलिटी से पहले एक चीज़ वर्ड था जिससे फ़ौरन आइडिया हो जाता है कि ये किसके थ्रू हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एज ऑफ 50 हैं, ठीक है, उनमें से 10 डिफेक्टिव हैं या कोई भी हैं, हम 10 सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, ऑर्डर मेंशन नहीं है इसमें। और एक दफ़ा आइटम जो सिलेक्ट 10, आप डिफरेंट आइटम सेलेक्ट कर रहे हो ना, सेम आइटम को तो नहीं दो दफ़ा से टेस्ट करोगे, सही है। 10 आइटम्स हैं माइंड में, एक आइटम को हम दो दफ़ा टेस्ट करके रिजल्ट नहीं करेंगे कि ये आइटम को मैंने 2 times सेलेक्ट कर लिया तो बस ये ठीक है तो बाकी भी सब ठीक होंगे। एक आइटम को एक दफ़ा टेस्ट होगा, मीन्स कि विदआउट रिप्लेसमेंट, रैंडमली कोई भी सेलेक्ट करना है, रैंडमली के वर्ड से आपको ये हो जाता है कि ये विदआउट ऑर्डरिंग है। अब मुझे ये बताएं नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग टेन आइटम आउट ऑफ 50, 10 आइटम आउट ऑफ 50 आपके पास क्या आ जाएगा 50 जो भी 10 एंड 40 जो भी इसका रिजल्ट आ जाते हैं आप, ठीक है। अच्छा जी, अब इवेंट क्या है, ये तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस आ गया। अब फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 ऑफ द आइटम टेस्टेड आर डिफेक्टिव, अगर 5 आपके पास यहाँ पे, अब सैम्पल एक और एक्सपेरिमेंट में फिर एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है, अब आपके पास टोटल बॉल्स 10 है, ठीक है, उनमें से 5 डिफेक्टिव, 10 टोटल डिफेक्टेड है ना जो सेलेक्ट किए हैं, लास्ट में उन 10 में से 5 जो हैं वो डिफेक्टिव आई हैं आपके पास। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ एग्जैक्टली 5 ऑफ द आइटम टेस्टेड आर डिफेक्टिव। अच्छा अब यहाँ पे फिर माइंड में लाना है कि इसको करने के लिए आपको परम्यूटेशन, कम्बिनेशन या पावर रूल लगना है। अब वो जो टेस्ट सेलेक्ट किए हैं हमने 10 किए, उनमें से वो कहने के 5 एग्जैक्टली डिफेक्टेड है, अब वो कौन से वाले डिफेक्टिव आइटम्स हमने उठाए हैं, हमारे पास ओरिजिनल में कितने थे 10 थे, अब रैंडमली उठाए हैं, अब एक दफ़ा जो डिफेक्टिव आइटम उठा लिया उन 10 में से, क्या वो दोबारा रिपीट होगा, नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट। जो एक दफ़ा आप जो 5 ले रहे हो विदाउट ऑर्डरिंग, रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो ना एनी 5, ये तो नहीं कहा कि फर्स्ट 5 करने, मिड के 5 करने, ये लास्ट के 5 करने, कोई मेंशन नहीं है। तो आपके पास रैंडमली कोई भी 5 डिफेक्टिव आइटम आप सेलेक्ट करोगे टोटल आउट ऑफ 10, मीन्स के 10 कॉम्बिनेशन 5, ये तो एक ऑप्शन आ गई, ठीक है। जब एक चीज़ को n भी आपके पास 2 पोर्शंस में डिवाइड हो रहा है, टोटल 50 थी जिनमें से 10 डिफेक्टिव है और 40 नॉन डिफेक्टिव है,
सही है, जितना हम पिछला एन करते रहे हैं हम एन एक ही कैटेगरी में से निकाल रहे थे, ऐसे ही था। और यहाँ से जो हम स्मॉल एन, ये तो कैपिटल एन था, ये जो स्मॉल एन सेलेक्ट किया है कुछ पोर्शन डिफेक्टिव का था और कुछ पोर्शन नॉन डिफेक्टिव, ऐसे ही है। डिफेक्टिव में से वो कितने सेलेक्ट हुए हैं, हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि वो पोर्शन 5, तो बाकी क्या होंगे, जो 10 आपने टेस्ट किए थे 5 डिफेक्टेड हैं, तो बाकी 5 ही इसमें से आपके पास नॉन डिफेक्टिव में से आए होंगे। क्लियर, आपके पास टोटल एक सेट है, उस सेट में आपके पास टू पोर्शंस में सबसेट टू पोर्शंस में डिवाइड किया गया। अब टू पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद जो नंबर सेलेक्ट किए गए हैं कुछ एक पोर्शन में से आए, कुछ दूसरे पोर्शन में से आ गया। अगर एग्जैक्टली 5 कहा है, अगर मैं एग्जैक्टली 3 कहूँ तो आपके पास डिफेक्टिव वाले 3 होंगे, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 7 हो जाएंगे, ऐसे ही है। ठीक है, अब क्या करना है कि अलग अलग दोनों की मैंने पॉसिबिलिटीज करनी है, डिफेक्टिव की अलग से निकालनी है और नॉन डिफेक्टिव की अलग से, क्योंकि 10 के 10 एक्सपेरिमेंट्स को मैं हमने नोट करना है। ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट 5 को कर लिया तो नॉन डिफेक्टिव वालों को टेस्ट ही नहीं करना, उसकी पॉसिबिलिटीज भी तो साथ रहेंगी, या उस पेयर में आप इग्नोर कर दोगे नॉन डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव आया सेकेंड, फिर डिफेक्टिव आ गया, ये नॉन डिफेक्टिव, थर्ड वाला आइटम नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव वाले पोर्शंस भी तो आपके पास आ रहे हैं, नॉन डिफेक्टिव वाले भी तो आ रहे हैं आपके पास, तो ये वाला पोर्शन सिर्फ किसका आया है, डिफेक्टिव का, मल्टीप्लाई नॉन डिफेक्टिव में से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, 5। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि अगर आपके पास सेट में दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया, उन दो पोर्शंस का अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जब आप पेयर्स बनाते हो ना तो दो सेट्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ पेयर्स आते हैं। 40 आपके पास क्या है, नॉन डिफेक्टिव, 5 डिफेक्टिव, एग्जैक्टली 5 लिखने की वजह से मैंने, हाँ 10 के 10 ही सेलेक्ट कर रहे हैं, उनमें से 10 में से कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 5 जो आइटम्स हैं वो डिफेक्टेड है। ठीक है, अब डिफेक्टेड वाली कौन सी कितनी पॉसिबिलिटी है, 10 के 10 में से कोई 5 ही सिलेक्ट हुए होंगे ना, बाकी 5 तो नहीं हुए होंगे, हो सकता है मैंने फर्स्ट 5 सिलेक्ट कर दी हो, मिड के 5 सिलेक्ट कर दी हो, या 1 ऑड नंबर पर सिलेक्ट कर दी हो, इवन नंबर पर सिलेक्ट, रैंडमली सिलेक्ट करें ना, कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 10 कम्बिनेशन 5 अलग से कम्बिनेशन आ गए डिफेक्टेड की, तो 5 टेस्ट करके ख़त्म तो नहीं कर देंगे, नॉन डिफेक्टिव वाले भी तो टेस्ट हो रहे हैं, उन 10 में 5 डिफेक्टेड हैं तो आपके पास बाकी 5 नॉन डिफेक्टेड, तो आपके पास नॉन डिफेक्टेड कितने आइटम्स हैं, 40, उसके भी आप रैंडमली जो सेलेक्ट करोगे उसकी पॉसिबिलिटी भी 40 कम्बिनेशन 5 आ जाएगी। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली मैं 3 सेलेक्ट कर लूँ तो आपके पास इसी में सिर्फ रिप्लेस हो जाएगा 10 कम्बिनेशन 3 एंड 40 कम्बिनेशन 7, क्योंकि इनका सम कैपिटल स्मॉल एन के इक्वल आना कंपल्सरी है। अगर इनका सम जो निचला वाला है ऊपर वाले का सम कैपिटल एन के आना इक्वल कंपल्सरी है, और जो नीचे सब उसमें है उसका स्मॉल एन के आना एक कंपल्सरी है इक्वल। मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आपके पास ऊपर वाले सम करें तो कितना होता है 5 + 40 टोटल, और नीचे वाले ऐड करें 3 + 7 एन। अगर या तो कैपिटल एन के इक्वल ना आ रहा हो या स्मॉल एन के इक्वल ना आ रहा हो, मीन कि आप कहीं मिसिंग कर रहे हो, कोई चीज़ को आप विदाउट टेस्ट कर रहे हो या आपको इग्नोर हो रही है प्रोसेस में। ठीक है, अब इसका परमोटेशन क्या आ जाएगी, तो नंबर ऑफ वेव आ गए ना, वेव नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, इसके आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10 कम्बिनेशन सॉरी 5 है, 10 कम्बिनेशन 5 मल्टीप्लाई 40 कम्बिनेशन 5 डिवाइडेड 50 कम्बिनेशन 10। हाँ जी, तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस यही आ गया ना। हाँ हाँ, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास नॉट इफेक्टिव में ये 0 आ जाएगा, और 0 के साथ जब आप इसको लोगे तो ये आपका 1 आ जाता है। अगर आपके पास यहाँ पे सारे के सारे जो 10 सेलेक्ट हुए हैं, 10 के 10 आइटम सेलेक्ट हुए हैं, वो सबके सब डिफेक्टेड हैं, अब 10 के 10 पॉसिबिलिटीज ही होंगे आपस में, 10 कम्बिनेशन 10 और 40 कम्बिनेशन 0, 40 किसी कोई भी आपके पास कम्बिनेशन 0 के साथ होता है, आंसर आपके पास 1 होता है। ठीक है, तो मींस इक्वल्स टू 10 कम्बिनेशन 10 के इक्वल ही आ जाएगा।
इक्वल्स टू वन. कॉम्बिनेशन में अगर आपका कैपिटल एन स्मॉल एन सेम हो जाए तो आंसर वन आ जाता. क्लियर? मीन्स आपके पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि टेन के टेन डिफेक्टिव आइटम्स हो, आपके पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आ रही होती है. अब यहाँ पे मैं एक और एग्जैक्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ ड्रॉ करके बता रही हूँ कि आपके पास कलर्ड बॉल्स हैं. मीन्स कि 40 नॉन डिफेक्टिव में से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ. आप करोगे 40 परम्यूटेशन, 0 परम्यूटेशन, 40 माइनस 0 40 परम्यूटेशन. ठीक है, 40 40 कैंसिल हो गया, 1 ओवर 0 परम्यूटेशन, 1 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1. हाँ जी, तो वो फिर दूसरा, अगर पॉसिबल नहीं कोई है तो जो साथ आपके पास नॉन डिफेक्टिव वाली है वो जीरो हो जाएगी अगर अभी आप जीरो कंसीडर करते हो. हाँ, अगर आपके पास सिर्फ नॉन डिफेक्टिव को कंसीडर कर रहे हो तो उसमें तो आपके पास कोई भी नहीं है. नॉन डिफेक्टिव में आपने कोई भी जब सिलेक्ट नहीं कर रहे हो ना तो आपके पास जीरो है. लेकिन जस्ट आपके पास यहाँ पे एक ऐसा सैंपल आ रहा है जो कि डिफेक्टिव वाले के साथ आएगा. ठीक है, ये बात याद रखें कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में कभी भी जीरो नहीं आता. स्टार्टिंग आंसर जो होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वन होते. ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी आपके पास वन होती है. अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक और टोटल आपके पास 10 बॉल्स हैं. इसका सिर्फ डायरेक्ट करना है, मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी. ये टोटल बॉल्स हैं कर्ण में. ठीक है, 10 बॉल्स हैं. थ्री वाइट हैं, 5 ब्लैक हैं, ब्लैक, और आपके पास जो 2 हैं वो रेड. ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 10. अब यहाँ पे आपने n सेलेक्ट कर रहे हो, एनी 3 बॉल्स. अब 3 बॉल्स में इसे मेंशन अगर हो जाता है कि सेलेक्ट फ्रॉम वाइट एंड रेड. सेलेक्ट मतलब आपने करना है कि एग्जैक्टली 2 फ्रॉम रेड एंड वाइट. सेलेक्ट 2 बॉल्स फ्रॉम रेड एंड वाइट. रेड एंड वाइट में अगर आप सेलेक्ट करते हो 2, तो इवेंट का आपके पास क्या आ जाएगा? 3. कितनी सेलेक्ट करो? 2 सेलेक्ट करो वाइट. और टोटल हम लोग जो कैपिटल एन आपके पास आ रहा है, 2 की 2 वाइट अगर आ जाती हैं तो रेड में से आपके पास कितनी होंगी? अगर 1 वाइट सेलेक्ट कर रहे हो, सेलेक्ट 2 एंड 1 ऑफ देम वाइट एंड रेड, 1 इज वाइट. सेलेक्ट 2 बॉल्स एंड 1 ऑफ देम इज वाइट फ्रॉम वाइट एंड रेड बॉल्स. वाइट और रेड बॉल में 2 बॉल सेलेक्ट करनी है जिनमें से एक जो है वो वाइट है. एक वाइट है तो ऑफकोर्स दूसरी रेड होगी. ये और 2 ऑप्शन आ गई. अगर यहाँ पे थर्ड भी शामिल हो जाए, ये भी हो सकता है कि वो रेड है. अगर ये 1 वाइट में से सेलेक्ट हो गई, 1 रेड में से सेलेक्ट हो गई और ब्लैक में से कोई भी सेलेक्ट नहीं हो रही. 1 वाइट में से हो गई, रेड में से कोई भी नहीं है, ब्लैक में भी 1. जब आपके पास मोर देन 1 ऑप्शन, एक सैंपल आपके पास आ रहा है, इसमें आपके पास जो सबसेट्स बन रहे हैं सेलेक्ट कर रहे हो, सेलेक्ट करने के लिए मोर देन 2 ऑप्शंस आ जाएं तो मल्टीनोमियल हो जाता है. जैसे अभी हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट यूज़ किया था कम्बिनेशन के लिए, तो फिर मल्टीनोमियल यूज़ करते हैं फॉर मोर देन 1 ऑप्शन के लिए. अभी आपने मैंने कॉम्बिनेशन निकाला था. अच्छा, यहाँ से किया है कि 2 वाइट एंड 4 रेड. ठीक है, सेलेक्ट एनी 2 बॉल्स
ये हो गया, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू रेड बॉल्स. ठीक है, टोटल आपके पास एक एंड में बॉल्स हैं, उनमें से कितनी वाइट है? टू वाइट है और फोर रेड है. कैपिटल एन आपके पास कितना है? सिक्स. स्मॉल एन, सेलेक्ट एनी टू बॉल्स. अब हमें ये नहीं है कि टू बॉल में से वाइट है या रेड है, ये आ गया. अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी से पहले अब आपने सैम्पल स्पेस के लिए क्या करना है? सेलेक्ट टू बॉल्स, एनी टू बॉल्स फ्रॉम सिक्स बॉल्स. जब हम सेलेक्ट टू बॉल्स फ्रॉम एनी, कोई भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वाइट भी हो सकती हैं सारी की सारी, रेड भी हो सकती हैं, रिपीट भी आपके सॉरी रिपीट नहीं होगी कोई बॉल. एक दफ़ा अगर आप ले लेते हो, सेलेक्ट करनी है टू बॉल्स, तो उससे ऑफकोर्स रिपीट नहीं हो रही होगी. तो आपके पास ऑर्डर भी मैंशन नहीं है कि कोई भी आप सेलेक्ट कर लो टू. ऑर्डर में तो मैंशन नहीं है ना आपके पास कि पहले वन टू कर लो या टू वन कर लो, सेम बात है. ये नहीं ये वन टू सेलेक्ट किए तो एक अलग पेयर बन गया, टू वन सेलेक्ट किया तो एक अलग पेयर बन गया. कोई भी टू सेलेक्ट करनी है, वन टू भी हो सकती है और टू वन भी हो सकती है. ये एक सेम आपके पास ऑप्शन है, मींस के विदाउट ऑर्डरिंग. अब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा? सिक्स कॉम्बिनेशन टू. कॉम्बिनेशन क्यों आया? टू बॉल सेलेक्ट करनी है. एक दफ़ा जो बॉल सेलेक्ट हो गई वो दोबारा सेलेक्ट नहीं हो सकती. अगर एक ही बॉल दो दफ़ा सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास जो बॉल सेलेक्ट हुई है वो एक ही बॉल रह जाएगी. सेलेक्ट टू बॉल्स कर रहे हो मीन्स कि आपके पास डिफरेंट टू बॉल्स होनी चाहिए, तभी आप सेलेक्ट कर सकते हो ना. हो सकता है कि दोनों के दोनों वाइट हो, दोनों के दोनों रेड हो, लेकिन आपके पास टू डिफरेंट बॉल्स होंगी. डिफरेंट बॉल होने की वजह से आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट है. एनी टू मीन्स कोई भी आप बॉल सेलेक्ट कर लो, पहले वाइट सेलेक्ट कर लो, ब्लैक सेलेक्ट कर, रेड सेलेक्ट कर लो, या पहले रेड सेलेक्ट करके फिर वाइट सेलेक्ट कर लो, एक ही बात है. आपके पास टू होनी चाहिए, वाइट रेड हो या रेड वाइट हो. ऑर्डर मेंशन नहीं है कि आपने फर्स्ट पे आपने ब्लैक करनी है या रेड करना है, विदाउट ऑर्डरिंग. सैम्पल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस सिक्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन टू. सिक्स फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, सिक्स फाइव टू फिफ्टीन. अब नंबर ऑफ एग्जैक्टली टू रेड, एग्जैक्टली टू रेड आपके पास है. नंबर ऑफ वेव एग्जैक्टली टू रेड. सेलेक्ट टू बॉल्स फ्रॉम एनी फोर रेड बॉल्स. तो आपके पास रेड बॉल्स कितनी है? फोर कॉम्बिनेशन टू. तो आपके पास बाकी रेड उसमें वाइट बॉल्स में कितनी रह जाएंगी? ज़ीरो. ठीक है, या यहाँ पे ये मैं कर दूँ कि एग्जैक्टली वन. ठीक है, एग्जैक्टली वन. अच्छा, ये इसका आंसर. मैंने जस्ट इसको ये रहने दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करी. क्यों मल्टीप्लाई नहीं करी? कि ऑफ कोर्स आपके पास अगर एक ये पोर्शन आ जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपके पास रेड की ऑप्शन आ जाती है. अगर यहाँ पे आप एक जो बॉल सेलेक्ट कर रहे हो वो रेड में से एक ही पार्ट में से सेलेक्ट हो रही है, टू पार्ट में से सेलेक्ट कर रहे हो ना, या तो वो रेड होगी या वो वाइट होगी, तो उसके बाद उसके लिए आपके पास जो है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ जाता है. और इस कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया ना, कॉम्बिनेशन में चले यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि टू में से कॉम्बिनेशन वन सेलेक्ट हो गया, फोर टू एट. हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है. कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ किया है? इस वजह से यूज़ किया है जो हम चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी सिर्फ टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो रेड हो सकती है या वो वाइट होगी. अगर मोर देन टू आ जाए, रेड भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, तो उसके लिए आपके पास मल्टीनोमियल आ जाता है. हाँ, तो टू एग्जैक्टली टू होती तो फोर कॉम्बिनेशन टू हो जाता. रेड आप वन सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो फिर एक रेड है तो दूसरी क्या होगी? कंफर्म है कि वो वाइट होगी. एक रेड है तो दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास? फोर सी. हाँ हो सकते हैं बिल्कुल रेड. तो उसके से रेड की ऑप्शन है दूसरे की वन हो जाएगी, साथ जस्ट मल्टीप्लाई ज़ीरो, टू कॉम्बिनेशन ज़ीरो आ जाएगा.
करीब ये फार्मूला लिखवा रही हूँ। क्या है? है तो पूरे 15 मिनट यूं करें एक। एन फैक्टोरियल के वन के टू फैक्टोरियल के थ्री फैक्टोरियल अप टू के एन के जे फैक्टोरियल। ठीक बता रही हूँ मैं, जिससे भी लिख रही हूँ इज कॉल्ड बाइनो मल्टीनोमियल। इफ जे इक्वल्स टू टू देन दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल रीजन ये है कि और ये आपके पास के वन प्लस के टू प्लस के जे इक्वल्स टू एन कंपल्सरी। ठीक है, जिस तरह भी मैंने वाइट और ब्लैक का कहा था कि आप एक सेलेक्ट करो, सेपरेट डिस्कस करोगे ना, आपके पास एक रेड था, टोटल आपने कितने सेलेक्ट कर रहे थे? 5। टोटल एन बॉल आपके पास थी 10 बॉल्स, उसमें से 5 सेलेक्ट कर रहे थे, उसके भी आगे सब डिवाइड हो रहा है, एन भी तो डिवाइड हो रहा है। एन में, स्मॉल एन में कुछ वाइट आ रही है और कुछ ब्लैक आ रही है। के वन में कंसिडर कर रही हूँ रेड और के टू में कंसिडर कर रही हूँ वाइट। क्लियर? और के वन प्लस के टू कितना आ गया? जब आपके पास सिर्फ टू ऑप्शंस हो, स्मॉल एंड टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये बाइनोमियल हो जाता है। अगर आपके पास यहाँ पे टू आ जाता है ये और के थ्री ब्लैक वन, तो ये मोर देन वन आ गया, आपके टू आ गए, मोर देन टू। के वन प्लस के टू प्लस के थ्री इक्वल्स टू 5। अब ये स्मॉल, जब ये मोर देन 2 आ जाते हैं तो ये मल्टीनोमियल में आ जाता है। मल्टीनोमियल के लिए फार्मूला जो आपके पास है वो ये चीज़ होगी। करवा दूँ? चलें, इसकी एग्जांपल्स फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम।